नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सतीश पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल विजडम साइक्लोन पर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस कंपनी के एक मिड बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन वन प्लस नॉर्ड सी 5G के बारे में। बट गाइस, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि इस वीडियो में हम वन प्लस नॉर्ड सी 5G के कोई स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं और ना ही हम इसका गुणगान करने वाले हैं इस वीडियो में। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको वन प्लस C5G जिसको बहुत ज्यादा हाइप दिया जा रहा है उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता चल सके। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले OnePlus Nord C5G का जो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा वो है इसकी बैटरी, क्योंकि C5G में मिल रही है आपको 4500 mAh की लिथियम पॉलीमर नॉन रिमूवेबल बैटरी। अब गाइस, आप खुद सोचिए ऐसे मिड बजट रेंज स्मार्टफोन की इतनी कम पावर वाली बैटरी एक्सेप्टेबल है क्या? अगर आप बजट स्मार्टफोन्स की लिस्ट में भी देखें तो वहां भी आपको एटलीस्ट 5000 mAh पावर की बैटरी तो मिल ही जाती है और यहां हमें मिल रही है 4500 mAh की बैटरी, मतलब कुछ भी। अब गाइस, इन्हें कंपनसेट तो करना ही था तो इन्होंने यहां 30W का फास्ट चार्जर दे दिया है और एडवर्टाइज ये किया है कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये 70% चार्ज हो जाएगा। मतलब यार, आप ही बताओ 30W के फास्ट चार्जर का क्या काम जब आप यहाँ अच्छी पावर की बैटरी ही नहीं दे रहे। मान लो एक घंटे में 100% कंप्लीट हो गया फुली चार्ज पर बैटरी चलेगी ही नहीं ज्यादा, तो क्या फायदा। मतलब यार, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कम पावर की बैटरी होने की वजह से भले ही आपको यहाँ 30W का फास्ट चार्जर मिल रहा है पर आपको इसे फ्रीक्वेंटली चार्ज करना पड़ेगा अगर आपका यूसेज ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, बात करें OnePlus Nord C5G के दूसरे ड्रॉबैक या कमी की, तो यहाँ इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आपको मेमोरी स्लॉट नहीं मिल रहा है। चलो मान लिया आपने OnePlus Nord C5G में अच्छा खासा इंटरनल स्टोरेज दे रखा है हर वेरिएंट में, पर फिर भी यार मेमोरी स्लॉट का होना मस्ट होता है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप OnePlus Nord C5G के किसी भी वेरिएंट में मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, जितनी इसकी इंटरनल स्टोरेज होगी उतने से काम चलाना पड़ेगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करें तीसरे ड्रॉबैक की OnePlus Nord C5G के स्मार्टफोन में, तो मैं आपको बता दूं यहां डिस्प्ले में है इसका तीसरा ड्रॉबैक जो कि है इसका फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन। यहाँ दोस्तों, आपको OnePlus Nord C5G में मिल रहा है फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। पर्सनली दोस्तों, मुझे ये एमोलेड डिस्प्ले बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले 23,000 के प्राइस में जो कि इसका बेस वेरिएंट प्राइस है उसमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्हें कम से कम सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो देनी ही चाहिए थी। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बता दूं सुपर एमोलेड डिस्प्ले कमाल की होती है। फ्लूइड डिस्प्ले के मुकाबले ये आपको 20% ब्राइटर स्क्रीन देगी और वहीं उसके अलावा 20% लोअर पावर कंजम्पशन भी होगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले में। इसके अलावा तीसरा पॉइंट दोस्तों, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के मुकाबले सुपर एमोलेड डिस्प्ले में 80% तक का लेस लाइट रिफ्लेक्शन होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं OnePlus Nord C5G के चौथे ड्रॉबैक के बारे में जो कि डिस्प्ले से ही रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इसके 90Hz के रिफ्रेश रेट के बारे में जो कि 120Hz तो होना ही चाहिए था। वैसे आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा हो कि हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिफ्रेश रेट के मामले में तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दोस्तों इससे कम के प्राइसेस में भी आपको ऐसे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे मार्केट में फिलहाल जिनका 120Hz रिफ्रेश रेट है। गाइस, स्मार्टफोन OnePlus Nord C5G की जो मुझे पांचवी कमी लगी वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि दोस्तों आजकल आपको आम से आम कॉमन से कॉमन बजट स्मार्टफोन्स में भी मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि बहुत ही अच्छा होता है और लेटेस्ट वर्जन है। गाइस, मैं आपको बता दूं, आप हमेशा देखेंगे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से हमेशा ज्यादा तेज होता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि मैंने इसे खुद भी यूज किया है पर्सनली। और जैसा कि मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बताया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आजकल आपको कॉमन से कॉमन बजट स्मार्टफोन्स में भी मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। सो गाइस, यहां हमने बात की OnePlus Nord C5G के कुछ बड़े ड्रॉबैक्स के बारे में, अब बात करते हैं इसकी कुछ छोटी छोटी कमियों के बारे में जो मैंने फाइंड की। यहां तीन कमियां लगी मुझे कुछ छोटी छोटी। गाइस, OnePlus Nord C5G की पहली छोटी कमी ये है कि आपको यहाँ रियर कैमरा में बैक साइड में जो फ्लैश लाइट मिल रही है वो ज्यादा ब्राइट नहीं है। यहाँ आपको ड्यूअल टोन ड्यूअल LED फ्लैश का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सिंपल फ्लैश लाइट दी गई है जो कि ज्यादा ब्राइट नहीं है।
इसके अलावा कैमरा से ही रिलेटेड एक और भी प्रॉब्लम है, यहाँ आपको सेल्फी कैमरा में जो कि पंच होल स्टाइल में है पैनोरामा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों OnePlus Nord Z 5G की तीसरी छोटी कमी है इसका वेट, जो कि है 170 ग्राम्स। और दो स्मार्टफोन का वेट ज्यादा मैटर नहीं करता, फिर भी ये थोड़ा लाइट वेट हो सकता था 160 ग्राम्स के आसपास। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ हमने OnePlus Nord Z 5G के सभी ड्रॉबैक्स को कवर कर लिया है और डिस्कस कर लिया है इनकी सारी कमियों को। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो भी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।